भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जब शुरुआत की गई, तब लोगों के बीच गजब का उत्साह देखने के लिए मिला। यह ट्रेन पटना, गया, कोडरमा, हजारीबाग और बड़काकाना से मुरी होते हुए रांची पहुंचती है। वहीं इस ट्रेन की सौगात मिलने के बाद से लोगों को राजधानी पटना से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने का इंतजार था, ताकि उन्हें सहूलियत मिल सके। वहीं अब लोगों का जो इंतजार है वह खत्म होने वाला है। जी हां, दरअसल रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने इस रूट पर देश की अब तक की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। पटना हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 24 सितंबर से चलेगी। बता दें कि इसे लेकर जानकारी रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेलवे को दी है। बता दें कि बिहार से चलने वाली यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत की समय सारणी और किराया अब तक तय नहीं किया गया है। वहीं खबरों की माने तो 24 सितंबर को दोपहर में लगभग 12:30 बजे पटना जंक्शन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर हावड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं रेलवे बोर्ड से उद्घाटन के डेट की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वह जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल पिछले महीने ही हो गया था। पटना से हावड़ा की दूरी 530 किलोमीटर है। ट्रायल रन के दौरान इसे 6.5 घंटे में पूरा किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर ट्रेन के संचालन की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि अब यह फाइनल हो गया है और सिर्फ समय सारणी बनने की देरी है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग 7 से 8 के बीच रखा जा सकता है। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव में स्टेशनों को कम किए जाने पर विचार हो रहा है। ट्रायल के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस ट्रेन का ठहराव पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर भी हो सकता है, लेकिन एक ही शहर में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 2 जगह ठहराव को तार्किक नहीं मानते हुए ऐसा किए जाने की संभावना नहीं है। इधर ट्रेन को चलाने को लेकर पटना और हावड़ा दोनों जगह तैयारियां जोरों पर है। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रेन का मेंटेनेंस जारी है। इधर ट्रेन के किराए को लेकर निर्णय नहीं हो सका है। कैटरिंग और अन्य शुल्क क्या होगा इसकी गणना भी की जा रही है। अब तक रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में किराया फीड नहीं किया गया है। दर्श न्यूज के लिए डेस्क की रिपोर्ट।